तो अगर उनको नौकरी से निकाल देंगे तो मैं 3 बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी? जीने का, हम 2-4 हज़ार रुपये कहीं कमाते हैं तो हम अपने लड़के बच्चों को कैसे पालें? मेरा नाम सुधा नेताम है, मेरे पति का नाम राजेंद्र नेताम है, जो जमुनिया साला स्कूल में शिक्षक हैं। तो वो शराब पी के मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे। इसी विषय में हम दोनों अलग हो गए, तो मैंने कोर्ट में केस लगाया खाना खर्चा का। तो कोर्ट से वारंट जारी हुआ है, लेकिन वो आते भी नहीं है, और जो बघराजी थाना है हमारा, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो इसी बारे में शिकायत लेकर मैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी महोदय जी के पास में आई थी। तो उन्होंने बोला है कि जब अब आपका वारंट जारी होगा तो वो वारंट आप मेरे पास लेके आइए। तो क्या उसके अलावा उन्होंने कुछ कार्यवाही के निर्देश दिए, कुछ बोला आगे? यही बोला है कि आप जब वारंट अगर वहाँ से जब जारी होगा कोर्ट से, तो वो वारंट आप मेरे पास लेके आइए, फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं इस विषय पर? तो मैं इस विषय में ये चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, 6 साल से हो गए। मैं लगभग बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ वहाँ बहुत घूम चुकी हूँ, कलेक्ट्रेट गई हूँ, शिक्षा मंत्रालय के पास में गई हूँ, और अपना जहाँ इनका संकुल लगता है मैं वहाँ गई हूँ, लेकिन वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कौन से सरकारी स्कूल में आपके पति हैं? जमुनिया साला शासकीय है, कुंडम। अच्छा, वहाँ शिक्षक के पद? हाँ। तो उनका यही है कि वो पीना खाना बहुत ज़्यादा, उनका मार कूट, गाली गलौच, और बच्चों के तरफ ध्यान नहीं देना। हाँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे। हम 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। और मेरे बच्चे को, छोटे वाले जो 13 साल का है, उसको हर माह में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जब मुझे पैसे ही नहीं दे रहा, तो मैं अपने बच्चों का भरण पोषण भी नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, ना ही मैं अपने बच्चे का इलाज करवा पा रही हूँ। तो मैं जितने भी हैं शिक्षा मंत्रालय जो भी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे न्याय दिलवाया जाए। मुझे अगर न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि मैं 6 साल से भटक चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, जब मेरे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं दिखता है, कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला जाएगा तो मैं अपने 3 बच्चों को लेके मैं कुछ कर लूँगी या तो मर जाऊँगी। क्योंकि हमारे पास यही रास्ता है, हमको जो अभी मोदी जी के उसमें जो महिलाओं के लिए इतना सारा निकाले हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, लाडली योजना है, और राशन है, और लोन वगैरह, तो वो भी हमको नसीब नहीं है। तो हमारे पास तो कुछ रास्ता ही नहीं है जीने का। हम 2-4 हज़ार रुपये कहीं कमाते हैं तो हम अपने लड़के बच्चों को कैसे पालें? मेरा ये कि मेरे को न्याय दिलवाया जाए। अभी 2 बार सस्पेंड हो गए हैं, अभी तो हम आसरा में थे कि हमको कोर्ट से कोई न्याय मिल जाएगा, लेकिन 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। अगर मेरे मिस्टर, तो अगर उनको नौकरी से निकाल देंगे तो मैं 3 बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी?